इस बैठक में फैसला लिया जाना है और आप लोग को क्या कुछ कहा गया है? नहीं, ये तो ऐसा है कि ये मुझे लगता है कि अंतिम मीटिंग है, और अंतिम मीटिंग में इसलिए बता रहा हूं कि शुक्रवार के दिन जो आने का बताया गया है उसके अंदर पैन कार्ड लाओ, आई कार्ड लाओ और 5 ड्रेस लेके आओ। तो इसलिए हमको लगता है कि 2-5 दिन तक का यहाँ हमको रहना पड़ेगा, और मुझे 12 बजे से तो 4 बजे के बीच में आपको भी अंतिम फैसला मालूम पड़ जाएगा। उद्धव जी क्या हमको आदेश देते हैं, हम वहाँ उनका स्पीच सुनना है, वहाँ उनका मार्गदर्शन लेना है, और उसके बाद में अगली रणनीति ठहराई जाएगी कि कहाँ रुकना है, कैसा रुकना है, कितने दिन रुकना है। ये सारी चीजें ठहराने के लिए ही उद्धव जी ने हमको शुक्रवार के दिन बुलाया। तो क्या पूरा आश्वस्त है कि शिवसेना की सरकार बन रही है, शिवसेना का 100% मुख्यमंत्री बन रहा है और आप लोग राज्यपाल के पास जा रहे हैं बहुमत के साथ? 101% शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं है। थोड़ी बहुत चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं समाप्त हो जाएगी। हमारा धैर्य इतना मजबूत है और इतना बना हुआ है, इतना विश्वास है हमको कि उद्धव जी जो फैसला लेंगे वो फैसला सबके हित का होगा। और अब रहा सवाल शरद चंद्र जी पवार साहब कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, ये उनका अपना अधिकार है, उनको हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को अंतिम रूप देने का काम आ गया है और आसानी से सरकार बन जाएगा। 5 साल सरकार चलेगा और 5 साल जनता के हित का सरकार होगा, पहले सरकार से अच्छा सरकार होगा।